हमारे बगीचे में माइट तो नहीं, कैसे जाने? और अगर माइट है तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो बागवानों को ये देखना होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है माइट की। तो जो माइट है उसके लिए आप क्या करें, आप देखेंगे मेरे पीछे अभी स्प्रे हो रही है, तो मैं एसओ समर ऑयल HMOV के रूप में भी आप इसको जानते हैं, तो उसकी 2 लीटर की एप्लीकेशन हो रही है। साथ ही साथ जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उसमें 30 ml मजिस्टर ऐड कर रहा हूँ माइट के लिए, क्योंकि अगर कहीं पर कोई मादा माइट होगी उसको हम अभी किल कर देंगे ताकि वो एग लेइंग ना कर पाए। HMO क्या करेगा, जो आपकी अंडे होगे उसको कवरिंग देगा और उसको हैच होने से बचाएगा। तो ये आपका सबसे पहला तैयारी होगी आपकी माइट को कंट्रोल करने के लिए। माइट को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप फोन के माध्यम से देख सकते हैं, और आप मॉनिटरिंग करेंगे अपने पत्तों की। आप इधर और यहाँ पर चेक कीजिएगा कि कोई मादा स्पाइडर माइट तो नहीं है, 2 spotted है या यूरोपियन रेड माइट है, कौन से वाली है। तो अगर आपको कहीं भी दिखती है तो आपको जरूरत है कि इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही फैलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली है इसके लिए, और आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी अगर इसने क्लोरोफिल खा लिया। ना आपके कलर आएगा, ना आपके साइज आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का बड बनेगा, क्योंकि बडिंग भी अभी होती है, जो अगले साल का बीमा है वो भी अभी बनना है। तो आपको बहुत ही ध्यान देना है अपने बगीचों का इस वक्त कि आपके माइट ना आ पाए। तो और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकारी हमें मिली है या फोटोग्राफ के माध्यम से या फोन के माध्यम से कि ईयर में रस्ट माइट आ चुकी है, और उसने फ्रूट पे भी आ चुकी है, अब पत्तों से अब फ्रूट पे भी आ चुकी है, और वो डैमेज कर रहा है, उस पर रस्टिंग आनी शुरू होगी। इसके लिए आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक माइटी साइड, उसमें आप प्रॉपर जाइट भी कर सकते हैं, एबासीन भी कर सकते हैं, और ये मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो दवाइयाँ है उसको आप पियर में सेपरेटली भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले एबासीन पियर में स्प्रे कर चुका था मैं रस्ट माइट के लिए, और आज हमारे मजिस्टर और 2 लीटर HMO की स्प्रे पियर और एप्पल में दोनों में हो रही है। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों का, तभी नहीं तो आपका फ्रूट डैमेज हो जाएगा और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके साथ साथ जब ह्यूमिडिटी बनती है और उसके साथ साथ जो आप अभी HMO डालेंगे उससे एक फायदा और, जो सेंजो स्केल है वो